लड़की पटाया उसको घुमाया लोगों ने मारा एक दिन। लड़की पटाया उसको घुमाया लोगों ने मारा एक दिन। मुड़े मुड़े डंडे डंडे से मारा मुझको दौड़ा दौड़ा के मारा नंगा करके कर करके मारा सारा। क्या हुआ भाई, आज तू बहुत परेशान दिख रहा है, क्या हो गया, क्यों खपड़ी पकड़ के बैठा हुआ, किसी ने मारा वारा क्या तुझको? भैया क्या बताऊँ, बताया नहीं जा रहा, मैंने रात को गर्लफ्रेंड से बात की, उसके मैसेज से द्वारा बात कराता था व्हाट्सएप से, मेरे व्हाट्सएप का मैसेज उसके बाप ने देख लिया, बहुत मारा। भैया मुझे ऐसा कोई फार्मूला बता दो कि मैं उसके पास मैसेज भेजूँ तो किसी को दिखे ना, वरना तो मैं डंडे मार मार के मेरा तो बहुत बुरा हाल बना दिया है, अब तो बचा लो भाई, वो डंडा लेके पीछे। तुम देहातियों को कभी अकल नहीं आएगी, मोबाइल चलाते हो लेकिन आपको पता नहीं किस तरीके से लड़कियों से बात की जाती है, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैसेज भेजोगे तो अगर किसी ने मोबाइल देख लिया तो तेरी मार तो पड़ेगी पड़ेगी, तूने डायरेक्ट ही मैसेज भेज दिया होगा उसमें। हैं, मैसेज भेजने से पहले उसको सोच लो उसमें क्या लिखा है, कैसे हम उसको डिलीट कर सकते हैं। देख गधे, आज मैं तुझे ऐसी एक नई व्हाट्सएप की ट्रिक्स बताऊँगा जिसके जरिए तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, ठीक है, तू अपने गर्लफ्रेंड से एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर, चाहे वो कहीं भीड़ में बैठी हुई हो या अपने फैमिली के साथ बैठी हो या अपने भाई के पास बैठी हो, उससे तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तू डायरेक्टली बात करेगा। और करना क्या होगा तुझको, सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से तू जो है इसको व्हाट्सएप के मैसेज को तू अपनी तरफ से डिलीट करेगा तो डायरेक्टली उसके पास भी डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए आपने मैसेज भेज दिया, फिर आपको अपनी तरफ से डिलीट करके आप कितनी भी सारी बात करो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपकी जो है व्हाट्सएप की जो कॉल हिस्ट्री है और जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है वो लड़की के मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं होगी, आपके गर्लफ्रेंड के मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं होगी, आप सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल से ही एक सेटिंग करनी होगी, उस सेटिंग के जरिए से आप उससे बात करोगे, उसके बात करने के बाद आप जो है उसके पास जो मैसेज जाएंगे तो डायरेक्टली डायरेक्ट वो डिलीट होते जाएंगे, एक मैसेज जाएगा डिलीट हो जाएगा, दूसरा मैसेज आएगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बात कर सकते हैं, आपको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो इस गधे की तरह बहुत ही मार पड़ेगी। तो दोस्तों आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप को ओपन कर लीजिए, व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद दोस्तों मैं एक आपको सेटिंग बताता हूँ, सेटिंग को ऑफ कर लेंगे तो आपका जो है कुछ भी रिकॉर्ड उसमें नहीं जाएगा। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे एक थ्री लाइन दिख रही होगी, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे चैट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, चैट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑफ हो जाएगा। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए कि आप कोई अपनी गर्लफ्रेंड के पास फोटो वगैरह कुछ भी भेजोगे तो सीधे उसकी गैलरी में नहीं जाएगा, तो ये सेटिंग दोस्तों उसके मोबाइल में जाके आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों दूसरी सेटिंग में आपको बता दूँ आपके अपने मोबाइल में क्या करना होगा जी। मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मान लीजिए इसको मैं हैलो करके भेजूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने हेलो हेलो करके भेजा, हाय करके भेजा, तो इस तरीके से हेलो हाय करके भेजा दोस्तों, अब ये मैसेज उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुँच गया होगा, अब वो डिलीट नहीं कर पाती तो आप यहाँ से ही अपना मैसेज डिलीट कर देंगे तो उसके पास मैसेज नहीं जाएगा, कोई भी उसका आपका व्हाट्सअप के कॉल हिस्ट्री को चेक करेगा तो आपका मैसेज उसमें नहीं दिखाएगा, आप कुछ भी उसमें बात करो। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, इस पर सिंपली हमें इस तरीके से क्लिक कर देना, थोड़ी देर प्रेस करके इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले पर नहीं करना है, यहाँ पर कैंसिल पर करना है, यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ सिर्फ का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे अब मैसेज डिलीट हो चुका है, इसी तरीके से उसके मोबाइल भी वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से किसी को भी नहीं पता चलेगा आपने उससे गर्लफ्रेंड से बात की है या नहीं की है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।